है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेश्वरः, ओम नमः सिद्धेश्वरः, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर से कुंडुकुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। अभी आपके सामने दो रंगों के साथ अंतरंग की अभिव्यक्ति देखने को, समझने को, सुनने को तो नहीं मिली, लेकिन देखना और समझने के पीछे से बहुत गंभीर विषय है। आप उसको गंभीर मानोगे तो ठीक है, नहीं है तो कोई उसका अर्थ नहीं है। फिर दो रंगों का मेल चित्र कहलाता है। ये विचित्र है, चित्र से रहित आत्मगत स्वरूप भी चित्रों के द्वारा ही पहचाना जाता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट, यह श्वेत वर्ण और श्याम यानी कृष्ण वर्ण, अपने यहां दो पक्ष होते हैं, एक मास होता है। मास के अंतिम दिन या तो प्रकाश रहता है या तो अंधकार रहता है। अमावस्या अंधकार का प्रतीक है और पूर्णिमा उजाले का प्रतीक। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, आप फोटो लेते हो, उस फोटो में यदि केवल एक ही रंग आ जाए आप उसको खरीदोगे? क्यों नहीं करते? काला होकर के भी केवल काला होता तो नहीं खरीदते, किंतु काले के साथ एक रेखा आउटलाइन जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से आगे का रंग उसमें भर दिए जाते हैं। पहले जब छोटे थे केवल दो ही रंग होते थे, फिर तो क्या कहना है कि विज्ञान की कृपा कितने रंग उसके साथ जुड़ गए। आज वह सफेद और काला इन दोनों को तो सब भूल गए। चित्र बनता है दो रंगों से, विचित्रता आती है रंगों के समूह से। और यदि आप मोक्ष मार्ग की ओर रुझान लेते हो, मोक्ष मार्ग की ओर मुड़ना चाहते हो, मुड़ जाते हो, अथवा जो मुड़ गए हैं, मुड़ रहे हैं, मूल के पास जाकर जब देखोगे जिसके सारे सारे विचित्रताएं समाप्त प्राय हो चुके जाते। इन दोनों रंगों से नहीं प्रभावित होने वाला व्यक्तित्व आज जन्म ले चुका है। और उस व्यक्तित्व से पूरा का पूरा धरती तो है, लेकिन पूरे स्वर्गलोक ही उतर करके आया है। इस रंगों से नहीं प्रभावित होने वाले व्यक्तित्व से आप क्या लेना चाह रहे हो? आप लोग तो सोए हुए थे, उन लोगों ने आकर के आपको जगाया है, आपके घर में ऐसा हुआ, उठो। और
उस व्यक्तित्व को सर्वप्रथम अधिकार के रूप में, स्नेह के रूप में, पूछता के रूप में देवता धर्म आप लोगों से जितने भी क्षत्रिय कुल में तीर्थंकरों के जन्म हुए हैं, तीर्थंकरों के अपहरण ही सर्वप्रथम हुआ है। राज दरबार बहुत चारों तरफ से सभी देवता आदि आदि व्यवस्थित है, लेकिन देवों ने, और वो तो कोई भी और कोई दानव हो, राक्षस वगैरह हो, नहीं, देवों ने अपहरण किया है। क्योंकि आप उस प्रकार के रूप को नहीं दे पाते उसको स्वरूप, इसलिए उनके द्वारा वह कार्य संपन्न हुआ, और संपन्न होने के उपरांत पांडव शिला पर ले जाकर के सुमेर के ऊपर नवन जन्माभिषेक हुआ, अलंकृत करके और माँ की गोद में वह पास ही वहाँ पर सुला लेते हैं और चले जाते हैं और माँ की निद्रा टूट जाती है। ये कार्य हुआ है, अब उन्होंने इसका आनंद का लाभ ले लिया है, लेकिन स्वर्ग लेकर के नहीं गए। स्वर्ग से जब नीचे आया है वो व्यक्तित्व, स्वर्ग क्यों जाएगा? स्वर्ग बनाओ को वह बुलाएगा। तो यह रंग क्या है? यह एक प्रकार से पुतल का परिणाम है, चाहे वो अंतरंग हो चाहे वो बहिरंग हो, रंग मात्र। अंतरंग मन का नाम रखा है कोशों में, बहिरंग में तो अंग है जो देखने को प्रबलता है। यदि आपको केवल इतना काना शरीर मिल जाए तो भी अच्छा नहीं लगेगा, और इतना सफेद मिल जाए, शंख के बाद मिल तो जाते हैं, लेकिन मिलने के उपरांत भी आंखों में नीलिमा, झुकटियों में कालिमा, नासा में थोड़े बहुत फीका, फिर एक बार गाढ़ा, गालों में इसी प्रकार, तो इसमें सज जाता है। स्वरूप तो एक संग नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए इसी में आनंद आता है। फिर तो आप इसको देख करके मैं कैसे हूं तो दूसरे को पूछने की आवश्यकता नहीं, फिर दर्द बोल रखो ये मैं हूं। वह व्यक्तित्व जो आया है वह कैसा है? सामने जा दर्पण में देखा तो मैं न दिखा, तो मैं न दिखा। दर्पण के सामने तीर्थंकर जाते हैं और देखते हैं, और आप भी देखते हैं, बार बार देखते हैं। उन्होंने क्या कहा? सामने जाकर दर्पण में देखा तो मैं नहीं दिखा, मैं नहीं दिखा। दर्पण में क्या दिखा? केवल ऊपर का कवच दिखा, भीतरी आत्मा नहीं दिखी। ढूंढो उसको, बोला आप लोग पागल हो जाते, उसी में रम जाते हैं। उसमें यदि मान लो थोड़ी सी विद्रूपता है तो रूप निखारने के लिए अनेक प्रकार के मंडन कर लेते हैं, कैसे मैं लग रहा हूं आप दर्पण में देखो, मैं क्या बताऊं। तीर्थंकरों ने इसमें गंभीरता छोड़ी बिना आप लोगों का सारा सारा रूप देख रहे हैं। आप लोग किससे प्रभावित हुए हैं? वह आकर के व्यक्तित्व आपको प्रभावित तो कर रहा है, लेकिन स्वभाव, उनका स्वभाव प्रभावित होने का नहीं।
वृद्ध भी प्रभावित हो जाते हैं, समृद्ध भी प्रभावित हो जाते हैं, ऋषि महाराज वगैरह भी प्रभावित तटंचित हो जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव किसी के ऊपर, सबके ऊपर पड़ जाता है, लेकिन किसी का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। मैं एक मुनि महाराज के द्वारा भी कह रहा हूं, वह भी प्रभावित हो जाते हैं इस व्यक्तित्व से, किंतु मुनि महाराजों के व्यक्तित्व से वो नहीं प्रभावित होते हैं, ध्यान रखो। इसलिए तीर्थंकर हटकर के व्यक्तित्व होता है। शास्त्रों में आता है वह क्षयरूपम संदेश भी कभी कभी होते हैं। अब मुनि महाराज मान लो क्षय समय दृष्टि है, रिद्धिधारी है, आकाश से उतर रहे हैं और वहीं पर आंगन में शेकुल में लगे हुए है, वहां व्यक्तित्व भी है, तीर्थंकरों का छोटा रूप, आदिम रूप, अभी बचपन जिसको बोलते हैं, तो वह देख करिए कह देते हैं सन्मति सन्मति सन्मति, उनका नामकरण हो गया। आप महावीर कहते हैं, वीर कहते हैं, वर्धमान कहते हैं, और उनमें से एक सन्मति भी नाम है। पढ़ता हूं, सुनता हूं, देखता हूं, इन्होंने नमोस्तु तक नहीं किया उनको, किंतु उन्होंने आकर के उनको नमोस्तु तो कर नहीं सकते क्योंकि संयमी है, लेकिन ये असंयमी होकर के कम से कम उनको तो नमोस्तु कर सकते थे ना। व्यक्तित्व अलग है, जो नाम से रूप से रंग से प्रभावित होने वाला बड़े मुनि महाराज है, लेकिन भीतरी स्वरूप के साथ साथ बाहरी स्वरूप से वह रह नहीं पाए, क्योंकि उनके संदेह है उस बालक महावीर भगवान को देखने से शंका समाधान हो जाती, उनको संयत दिशा बोध मिल जाता, उस प्रश्न संबंधी जो जिज्ञासा थी वह शांत हो जाती, इसलिए तात्कालिक उनके मुख से निकला सन्मति, जय सन्मति, जय सन्मति, जय सन्मति। अंग्रेजी की प्रशंसा की जा रही है, तुम रहे व्यवहार और निश्चय में भी जानता हूं, व्यवहार और निश्चय मैं भी जानता हूं, है कोई वही निश्चय वाला व्यक्ति, अब इसको मना कर सकिए कि क्या बोलो है, इंद्र क्षय समय दृष्टि होता है, और आकर के तीन परिक्रमा लगाता है, नहीं लगाता फिर देख लो क्या होता उसका। ये सब व्यक्तित्व से पूर्ण उसका व्यक्तित्व है, हर बात में वह दुनिया को एक समस्या का हल होता हुआ देखने देखते हैं, उस संयम मुस्कान में गंभीरता होती है, वो मुस्कान के कारण मूल ही हो जाती है। हमारे भगवान मुस्कान नहीं देते, हमारे भगवान मुस्कान नहीं देते, भले ही सब लोगों को मुस्कान दिलवा दें, हाँ रोने वाले व्यक्ति को भी दिलवा देते। हमारे पास कोई कोमा में तो नहीं है, किंतु बेहोशी में भी नहीं है, लेकिन वह बोल नहीं रहा, किसी को वो देख नहीं रहा और किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति बात करते हैं तो उत्तर नहीं देता है, अकेला भी कुछ बोलता नहीं है। महाराज जी के पास ले जाओ, देखो क्या होता है, कुछ न कुछ तो होना चाहिए, ऐसे क्यों हो रहा है, अभी तारीखों पर जा रहे हैं आपको, यही तो बात है। हमने कहानी के ताले भरवाओ महाराज, अपने आप ही भीतर से हो जाता है, एक हाथ दूसरे हाथ पर आ जाता है। भक्ति है, भगवान जाने क्या भक्ति,
संबंधी कहने वाले मुनि हो करके अब इनकी भक्ति तो कर नहीं सकते, लेकिन मोक्ष निकलेगा। मैं निकल गया संबंधी, जय जय संत। अरे जिनके दर्शन करने मात्र से वर्षों की शंका समाधान हो जाता है, ऐसा व्यक्ति तो भीतर कौन है वो हमें बताओ। उसका कोई नाम नहीं, गुमनाम है, आत्म राम। रमते आत्मने इति राम। जय श्री राम के साथ में मूल्यांकन किए थे इन लोगों ने, है तो ये बिल्कुल ठीक है। राम की जय तो सभी लोग बोलते हैं, ये आत्मा को भूल जाओ तो क्या होगा। इसलिए मैं राम का अर्थ आत्म राम ही लेता हूं, हमेशा हमेशा आत्मा राम ही है। रमते इति राम, ये उसकी उत्पत्ति है। जो रममान होता है किसने, रूप रस गंध स्पर्श में नहीं, बालक होकर के भी आप उनसे कुछ सीखो तो सारे सारे विद्यालय खोल दे, लेकिन उस बालक से आप पाठ दे सकते हो। हर बात उसकी अंतरंग की रहती है, हर बात में रहस्य छुपा हुआ रहता है। आचार्य कुंद ने अरस मरुव मुदंधम अवस्तम चेदना गुणम सत्यम ज्ञान अलिंगत गहनम जीव मणि संतान। जीव का स्वरूप क्या है, अजीव से भिन्न है। उन्होंने निषेध वाक्य कर दिया, क्या क्या मैं गिन सकता हूं, वह अजीव का स्वरूप नहीं है। बस जिसमें अजीव का कोई स्वरूप नहीं, जिसके ऊपर अजीव का कोई प्रभाव नहीं, कोई भाव नहीं, ना दुष्प्रभाव नहीं, सद्भाव भी नहीं है, अभाव भी पूरा का पूरा उससे बिल्कुल पृथक, यह जीव का स्वरूप, यह जीव का लक्षण नहीं, यह जीव का स्वरूप है। यह मुक्त अवस्था में अभिव्यक्त होता है। किसी एक स्वाध्यायकार ने मान लो वह श्रद्धांत को ही ये मान लेता है तो उनकी कमी है। चाहे वो निश्चय नहीं कहो या व्यवहार नहीं कहो, जो मुक्त अवस्था में अभिव्यक्त होने वाला है वो संसार रचन में अनुभव में और अभिव्यक्त हो कैसे सकता। शुद्धान में अभिव्यक्ति का वर्णन नहीं होता, किंतु शुद्धान में तो शुद्धान इसके पास शक्ति है, लेकिन अभिव्यक्ति आज नहीं है। इस प्रकार का शुद्धान करना संवेदन है, यदि इससे विपरीत करता है उसके पास मिथ्या तो आए बिना रह नहीं सकता। ऐसे ही सिद्धांत अरस मरु मगंध, आत्मा के स्वरूप को अभिव्यक्त करने के लिए वो उतरे हैं वहां से। अब यह अंतिम भाव है उनका, अब यह अंतिम माँ के गोद में बैठने का अवसर है उसका, अब यह अंतिम गर्भ में रह करके बाहर आ चुका है, अब पुनः गर्भ में बोलो। अब गर्भ का कल्याण नहीं होगा, अब न ही जन्म का कल्याण नहीं होगा। ऐसा व्यक्तित्व का जन्म कल्याण मानने के लिए हम सब एकत्रित हुए। सोच करके रह जाता हो कितने परिच कल्याण हो गए। कोई भजन कर लेते भगवान आपके तो पांच कल्याण हो गए, हमारा कल्याण का पूरा बहुत अच्छा लगता है। तेरे पांच हुए कल्याण, मेरा भी एक कल्याण हो जाए, वो तो मांग रहे हैं हमारे भी कल्याण आप कर दो। कल्याण करने की बात नहीं, स्वयं करने की बात है। भावना तो उस भजन करता है, अगर आपकी ही क्या भावना है, रिकॉर्ड तो बताते रहो, भाव उत्पन्न करो, गंभीर से बैठ करके देखो। नहीं अब उसको चंदन का विषय क्या, तो सामने झांका दर्पण में देखा, दो मैं न देखा। क्या आप दिख रहे उसने दर्पण में, फिर दर्पण खाई कर रखते हो, कल से सोचने विचार कर लो
जब दर्पण में मैं स्वयं नहीं दिख सका, प्रतिबिंब नहीं हो सका, क्योंकि रूप का प्रतिबिंब होना तो स्वभाव है, लेकिन अरूप का शुद्ध रूप का प्रतिबिंब होने का स्वभाव नहीं है। दिख गया उसी को आपने मान लिया, ये मिथ्या कल्पना है। मुंडी भी छुप छुप करके अपने जेब में से निकाल कर मोबाइल में देखने लगा, मोबाइल में तो दुनिया ही दिख रही है, भरा है हाँ, उसका चेहरा भी है जिसको सेल्फ न बोलकर सेल्फी बोलते, इसमें भी व्याकरण आ गया, सेल्फी सेल्फी क्या है ये, आप हंस रही हो, सम्यक दृष्टि आपके शशि को भी गंभीरता से ले रहे हैं, सोच लो, वृद्धावस्था में भी ये स्थिति है, जैसा अंतरंग में होगा वैसा ही बहिरंग में झलकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वृद्ध होने के उपरांत में उनको अनेक पंच कल्याण देखने के उपरांत में उनको उसमें कोई भंग कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। श्रद्धा में आते हुए भी अनुभव में अभिव्यक्ति में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा कि आसमान से भी जा रहे हैं और वह सम्यक दृष्टि होते हैं, रत्नत्र के आराधक होते हैं, कठिन तपस्या के धारक होते हैं, लेकिन फिर भी वे अभी भी कुछ अंश में इस प्रकार प्रभावित होते हैं, इससे भी आगे का व्यक्तित्व होता है, इसलिए अविरत दशा में रह करके भी वह किसी की पूजा नहीं करते हैं, यहाँ तक कि वह अरहंत नाम को भी अपने मुख से उच्चारित नहीं करते। बार बार सोचता हूँ, ये भगवान मैं पंचनमुखा मंत्र पढ़ूं को ये पंक्ति छूट जाए तो हमारी गलती हो जाएगी, लेकिन चिंता कर नमो अरंतरम भी नहीं और नमो आयरम भी नहीं, नमो भूछायरम भी नहीं, नमो लोये बोलो तीन काम नौ करोड़ मुनि महाराजों की हम जय बोलते हैं, तो कहते हैं हमारे सामने मात्र एक पद है और वह यहाँ पर किसी के दर्पण में नहीं आता, किंतु मेरे इस दर्पण में वो झलकते रहते हैं, मैं उसी की मातृ उपासना करूंगा। ये जन्म कल्याण की यह सार्थक है बंधुओं, हम उनकी जन्म कल्याण का नहीं मना रहे हैं, स्वयं वह तीर्थंकर अपने जन्म कल्याण मनवा रहे हैं, मान लो इसको मान लो। उनकी माता पिता भी प्रभावित होते हैं, आप वहां पर भी देखेंगे पूजेंगे, प्रतिष्ठाचार्य सभी भाग्य बताएंगे, जो बहुत गंभीर समस्याओं को भी हल करने के लिए नागराज के पास जाते हैं तो नागराज कहते हैं कल आने वाला, इसी को हम संकेत दे रहे हैं आपको, और स्वयं जो है ब्रह्मचारी को आप संकेत दे रहे हैं, दुनिया के तो संकेत देते बैठे, सोच तो वो पहले भी कह रहे हैं, कई बार कह चुके हैं, कल बहुत भक्तों की दीक्षा होगी, ऐसे कहते रहते हैं, उसमें उनका नंबर नहीं रहता, ये भी बात है, इसलिए ऐसे कहते हो, और हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, जबरदस्ती क्यों करें, ये जबरदस्ती न बालक को होता है न पालक को होता है, किसी का नहीं होता, इसलिए लोग सब बच गए हैं। हम कभी भी किसी को कहते नहीं, एक बार कहते हैं फिर दूसरी बार मानते नहीं, सीधी सीधी बात है, हाँ ये हंसी मजाक का नहीं है, ये मोक्ष मार्ग है बंधुओं,
मोक्ष मार्ग में ऐसा ही हुआ करता है। यहाँ पर बीच में कोई आ नहीं सकता। परमात्मा वो शुद्ध परमेश्वर जो सिद्ध हो चुका है, सिद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने अब प्राप्त करने की कोई बात ही नहीं रखी है, आराधना जिनकी समाप्त हो गई है, विराधना तो बहुत दूर रह गई है और वह स्वस्थ हो गए। ऐसे स्वस्थ की ही वे आराधना करने वाले तीर्थंकर होते हैं। इसलिए अनंत होने के उपरांत भी उनको वो नमस्तु नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते। हमें तो पूर्णत्व की आराधना करना है, अधूरापन करना है। हमें तो चौदस की आराधना नहीं करना है, हमें तो या तो कृष्णत्व की अथवा शुक्रत्व की, दोनों की बात, एक अभावात्मक और एक सद्भावात्मक। भावश्च नत्यनाशो यही सद्भाव का हो गया। अभाव से नत्य उत्पादो, अभाव का उत्पाद नहीं होता। ऐसी गहरी आराधना करने वाले हैं। यदि कोई व्यक्तित्व है तीन लोक में करोड़ों के रूप में अनंत परमिष्ठ रहते हुए भी इससे वंचित रहते हैं, ऐसे सिद्धत्व की आराधना करने वाले हमारे वीर प्रभु, हमारे ऋषभ प्रभु, हमें तीर्थंकर ऐसे है। इसलिए किसी के लिए उन्होंने उपदेश नहीं दिया, इनको नमस्तु मत करो, इनको मत करो, इनको मत करो, इन स्वयं नहीं करेंगे। यहां तक कि उन्होंने दान का भी निधान नहीं किया। दान के लिए आए गए ये बात अलग है, हाँ, लेकिन आहार दान देना चाहिए, औषध दान देना चाहिए और अभय दान देना चाहिए, फलाना दान देना चाहिए, कुछ भी नहीं। उन्होंने नहीं दिया तो श्रावकों के लिए पूर्व भूमिका के रूप में सब कर्मों का उपदेश देना अलग वस्तु होती है और अंतरंग धर्म की बात करना अलग बात होती है। उन्होंने कभी भी उपदेश नहीं दिया, उपदेश मैं अभी नहीं देऊंगा, जब देऊंगा उस समय मुझे पुनः यूं करना ना पड़ेगा। समझना है, ये रहस्य की बात है, बोलने की बात नहीं, इसका क्या अर्थ होता है। अंजलि दूसरे के सामने मांगना बिल्कुल, अरे तुम पहले देना सीख लो, फिर बाद में मैं उपदेश देऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा, पहले सीख लो। उन्होंने उपदेश किया नहीं, तो सपना आ गए तो आ गया, श्रेयांश को आएगा करने पर तो, हाँ, भरत को भी नहीं। अरे भरत तो बहुत बातें करता है, बाहुबल भी बहुत बातें करता है, ब्राह्मी धुंधी वाले सब 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 फेर हो जाते, एक मात्र श्रेयांश पास होता है और वह धर्म तीर्थ के तीर्थंकर आदि तीर्थंकर माने गए हैं। ऐसे तीर्थंकर होते हैं तो वह अद्वितीय काम करने वाले होते हैं। श्रेयांश ने ऐसे अद्वितीय काम कर गए जो तीर्थंकरों को भी उपलब्ध नहीं हुआ, वह उनके पास आते हैं। ऐसा यह अद्भुत इनका व्यक्तित्व रहता है। इतना ही कहना चाहता हूँ, आगे का कार्यक्रम बहुत है, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, मैंने पहले ही सर्वप्रथम कहा कि भैया चोर मत बताओ, तीसरे थोड़ा थोड़ा कह करके हमने कुछ बहुत अच्छे मार्मिक जिसके अर्थ बहुत समझना कठिन होता, कि मैं न दिखा उस दर्पण में, यानी मैं रूप नहीं हूँ, जब रूप नहीं हूँ चित्र हूँ तो वह दर्पण में आने क्या वाला है, जो बता कुछ नहीं आएगा। इसलिए सोच लो यही एकमात्र वैराग्य का स्वरूप है। उनको वैराग्य भी धारण नहीं कर रहे हैं, लेकिन राग को भी वह किस ढंग से ले रहे हैं अब देख तो लो। राग को छोड़ा नहीं, लेकिन नहीं छोड़ते हुए भी राग को किस रूप में ले रहे हैं, तो ये अंतिम राग है और अंतिम पराग।
फिर इसके उपरांत बीत राग के अलावा कुछ रहने वाला नहीं है, ये प्रारूप है उनका, धन्य है ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने असंख्यात जीवों का अपने जीवन काल में उद्धार किया। हमारा जो उद्धार हो जाए उनके नाम लेंगे। अहिंसा परमोद बोधियावन